मन मौजी करता है खोज और उड़ाता है मौज। अब ये रोबोट बनेगा मेरा सबसे बड़ा हथियार और फिर मैं बनूंगा द किंग ऑफ फंटूस नगर। अब तुम एकदम असली भतीजे लग रहे हो। हाँ मनमौजी अंकल, बोलिए अब आगे का क्या प्लान है। शाबाश मेरे रोबोट, अब तुम फौरन चाचा के पास जाओ और भतीजे की जगह लेकर वो सब करो जो भतीजा कभी नहीं करता। फिर काम हमारा और बदनामी चाचा भतीजे की। तब तक मैं असली भतीजे का इंतजाम करता हूँ। अरे भतीजे, तुम्हारा फोन है। ओए भतीजे, और जल्दी से आओ, डंका और ढोलकी ने चाचे को किडनैप कर लिया सर। ओ भतीजे, मैंने तेरे पिकनिक स्पॉट पर अपनी जीप भेज दी सर, जल्दी से उसमें बैठकर फौरन पुलिस स्टेशन आ जा। बाय दोस्तों। अरे पुलिस स्टेशन तो इस तरफ है, आप लोग यहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं? वैसे आप लोगों को पुलिस स्टेशन में कभी देखा नहीं मैंने। ओए भतीजे, तू अपनी पिकनिक छोड़ के इतनी जल्दी क्यों लौट आया? चाचू के बिना भतीजा भला रह सकता है क्या? ओए हाँ भतीजे, मेरा भी यहाँ अकेले मन नहीं लग रहा था। ओ डेंगर डिंडी डाडी। चाचू स्कूटर रोको। चलो चाचू इस गोल्ड शोरूम में चलते हैं। हैं? गोल्ड शोरूम में? मगर हमें यहाँ क्या करना है भतीजे? हमें तो कोई खरीदारी ही नहीं करनी। आओ भतीजे, कहिए क्या दिखाऊं? बढ़िया से गहने दिखाइए। हाँ भतीजे, अभी लो। और दिखाओ, सब एक साथ दिखाओ। बस भतीजे इतना ही है, अब इससे ज्यादा गहने हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं अभी इतने से ही काम चला लेता हूँ। इस सारे भतीजे पैसे, वो 1 करोड़ के गहने। अरे पैसे तो मालिक ने मांगे थे। अरे क्यों पीट रहे हो भतीजे? बस अरे जोर से मत करो। अरे बचाओ भैया, बचाओ। ओए ओए, अंदर से कैसी आवाजें आ रही हैं? दुकान आज खाली खाली सी क्यों है? ओए, वो किसने तुम सब की ये हालत कर दी? तुमको तो मैं अभी बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो? अजीब लोग हैं। खैर खबर पूछने पर ही इतना मारते हैं। पूरे 1 करोड़ के गहने लेकर तुम्हारा भतीजा भाग गया। या तो फौरन गहने वापस लेकर आओ या फिर पूरे 1 करोड़ रुपए देकर जाओ, वो भी आज के आज ही, वरना। पहले 1 करोड़ दो, बाद में स्कूटर। अरे रुको, ओए मेरा भतीजा। ओए भतीजे रुक, ओए तू क्या कर रहा है? Oh,
तूने मुझे मारा? नहीं, तूने मुझे मारा। नहीं नहीं, तूने मारा। तूने मारा। छत पे लटक कर क्यों चल रहे हो? मेरी तरह फर्श पे चलो ना। बाहर मत निकलना अंकल, भूत है, अंदर ही रहो। मेरे प्यारे रोबोट भतीजे, वो भतीजा यहाँ से भाग गया है, जरा होशियार रहना। ठीक है। कानून के हाथ और बंदूक ने की लात से कोई ना बच सके है। तुम चाचा भतीजा इब चोर बन गए, अभी बताती हूँ। ओ नहीं बंदूक नी जी, और मुझे कुछ नहीं पता भतीजा ऐसा क्यों कर रहा है। तो पहले क्यों नहीं बताया? चल इब जल्दी से भतीजे को पकड़ते हैं। वो रहा भतीजा। बावड़ी बूझ भतीजे, और भागना मत, हम तुझे ही पकड़ने जा रहे थे। तूने पूरे शहर को लूट रखा सर। नहीं बंदूकनी जी, मैंने किसी को नहीं लूटा। लूट तो मनमौजी का रोबोट रहा है। मनमौजी ने उसे हूबहू मेरी शक्ल दे रखी है। उसने मुझे किडनैप कर लिया था। मैं अभी उसके गुंडों को चकमा देकर आया हूँ। अब चलिए उस रोबोट को पकड़ते हैं। ओए हाँ भतीजे, ओ जल्दी चलो। ओए वो रहा, रुको रुको गाड़ी रोको। ओए वो रहा रोबोट। चाचू मैं रोबोट नहीं, असली भतीजा हूँ। मुझे मनमौजी ने किडनैप कर लिया था और फिर वहाँ पर। और आगे की कहानी मैं सुना देती हूँ। बावड़ी बोझ, वहाँ से तू मनमौजी के गुंडों को चकमा देकर भाग कर आ गया। बोल है ना यही बात? हाँ, पर आपको कैसे पता? ओए क्योंकि हमको भतीजे ने सब बता दिया है, बहरूपी रोबोट। नहीं चाचू, बंदूकनी जी, ये भतीजा नहीं है, ये रोबोट है। असली भतीजा मैं हूँ असली। मैं हूँ, मैंने कहा ना, मैं हूँ असली भतीजा, नहीं मैं हूँ। अच्छा ठीक है, असली नकली का फर्क अभी पता चल जाएगा। ओ बताओ असली भतीजे, जब हम दोनों मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? चाचू के चक्कर से इब असली भतीजे का पता कैसे चले? इब तो पुलिस वाला दिमाग ही लगाना पड़ेगा। इब तो सब लोग थाने चलो, इब असली नकली का फैसला वही होगा। चाचू आप ठीक तो हैं? ओए भतीजे के होते हुए चाचू को कुछ हो सकता है पला? यो से असली भतीजा और यो वाला रोबोट से। ओ इसने भतीजे की हर चीज कॉपी तो कर ली, पर चाचा के लिए इमोशन ना ला पाया। भतीजे कोई चटपटा आइडिया निकाल। आइडिया बंदूकनी जी, आखिर रोबोट है तो लोहा ही ना, और इन सारे स्पीकर के पीछे मैग्नेट होता है। We'll be right back.
भतीजे की वजह से फिर से हार गया। चाचा भतीजा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। और ये हो गई गिल्ली पार। ये कौन है जिसने मेरी लस्सी बर्बाद कर दी? अंकल गिल्ली लौटा दीजिए। गिल्ली के बच्चे पैसे का पेड़ पे उगते हैं। पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन गिल्ली पेड़ से ही बनती है। आप नहीं दोगे तो मेरे पास दूसरी है। ओए बिट्टू, ओए गुल्ली डंडा तुम्हें यहाँ रोड पे नहीं खुले मैदान में खेलना चाहिए। अरे चाचा, मैं कोई भतीजे की तरह चुटकू खिलाड़ी नहीं हूँ। मेरे जैसे चैंपियन के लिए मैदान छोटा पड़ता है। ओए भतीजे के बारे में कुछ नहीं बोलना, उसके नखून के भी बराबर नहीं हो तुम। अच्छा, तो क्या आपका भतीजा ऐसे गिल्ली उछाल के ऐसे मार सकता है? ओए देखा भतीजे का कमाल, हो गई टाई टाई फिस। टाई टाई फिस तो आप लोगों की होगी जब मेरी टीम आप लोगों को गिल्ली डंडे में हराएगी। ओए चाचा को चैलेंज, अब तो हो जाने दो गिल्ली डंडा कंपटीशन। क्यों भतीजे? चाचू अब बोला ही है तो हो जाने दो। मेरा नाम है मामा मिया। मैंने हमेशा चीटिंग किया। लेकिन मामा इस बार ऐसी सुपर चीटिंग करनी पड़ेगी कि उस चाचा भतीजा का मुंह काला हो जाए। अरे भांजे, पहले दुश्मन की प्लानिंग पता करो, उसके बाद अपनी चीटिंग प्लान करो। गिल्ली डंडा में जिसकी गिल्ली सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जाती है वो जीतता है। ओए भतीजे, मुझे तो ऐसी फीलिंग हो रही है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और चाचे के पंछी ढूंढ रहा है और गिल्ली तो यही नीचे से है। रे सब हट जाओ बाजू, यो तो मन नहीं शोभा देता है। वाह मैडम जी, क्या शॉट मारा है। सिक्सर। ओए बहादुर, वो गुल्ली नहीं डंडा था और ये क्रिकेट नहीं है। चाचू ये क्रिकेट नहीं है, लेकिन क्रिकेट और इसमें एक चीज कॉमन है, ऑपोजिट टीम की गिल्ली अगर हमने कैच कर ली तो वो आउट हो जाता है। ओए भतीजे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओए पल्ला जी, आएगी आपका अब इस पे भी टिकट लगाने का प्लान है, है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मम्मी क्या आइडिया दिया है, वाह। ये क्या कर रहे हो भांजे, प्रैक्टिस नहीं करनी क्या? चैंपियंस को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती मामा। हैं? अरे तुमने भतीजे का खेल अभी तक देखा नहीं है, वो अकेला ही तुम सब पे भारी पड़ेगा। हाँ कह देता हूँ। मामा जब भतीजा खेलने आएगा तो हम ये गिल्ली असली गिल्ली के साथ रिप्लेस करेंगे और ये ग्लव्स मैं पहन लूंगा। उससे क्या होगा? इस गिल्ली में है लोहा और मेरे ग्लव्स में है मैग्नेट, तो जैसे ही भतीजा गिल्ली मारेगा सीधे मेरे हाथ में। वाह भांजे, तूने तो कमाल किया। बैठो, शुरू होने जा रहा है अद्भुत रोमांचक मनोरंजक गिल्ली डंडा कॉम्पिटिशन। टॉस जीता है हमारे जाबाज भतीजे ने और भतीजे की टीम मारेगी गिल्ली। तुरुरू। ओ,
भतीजे, कुछ चीटिंग जरूर हो रही है। अब उन्होंने एक भी पॉइंट बना लिया ना तो हम हार जाएंगे। ईट का जवाब पत्थर से और लोहे की गिल्ली का जवाब रोबोटिक गिल्ली से। ओ ये क्या है भतीजे? चाचू, जहाँ मामा मियाँ और बिट्टू हैं, वहाँ चीटिंग है, इसलिए मैंने खोजी अंकल से रिमोट पे चलने वाली ये गिल्ली पहले से लेके रखी थी। ओए वाह भतीजे। चाचे छोड़ना नहीं। अगर दम है तो चीटिंग के बिना जीत के दिखाओ। ओए भतीजे, तू रिमोट को ऐसे दबाना कि कैच सीधा मेरे हाथ में आए। चाचू, रिमोट मामा मियां ने चुरा लिया है। तो अब क्या करेंगे? पर लोहे की गिल्ली तो इधर है, अब होगा फेयर गेम। हाँ। मामा, आपने रिमोट चुरा के आधा काम कर दिया। अब गिल्ली इतने ऊपर से मारूंगा कि इनका पूरा काम तमाम हो जाएगा। है तो
चीटिंग के बिना जीत के दिखाओ। अरे लोहे की गिल्ली कहाँ गई? नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम से कांपे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, 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 चाचा और भतीजा।